नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। आज जब अफगानिस्तान इतने बड़े संकट में है तो संयुक्त राष्ट्र इस पर क्या कर रहा है, ये हम सबको जानना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों की आजादी के लिए काम करता है। इस समय दुनिया के 12 देशों में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्सेस मौजूद हैं और इनमें कीपिंग फोर्सेस कश्मीर में भी काम कर रही है। हालांकि अफगानिस्तान में मानव अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कोई मिशन नहीं है और इससे आप इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के चरित्र को समझ सकते हैं। इसी तरह से मलाला यूसुफजई भी इस पर ज्यादा सक्रिय नहीं है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार तालिबान के खिलाफ संघर्ष के लिए ही मिला था। उन्होंने स्कूलों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी और उसके लिए तालिबान के आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। लेकिन आज मलाला अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर ज्यादा सक्रिय नहीं है। उन्होंने केवल एक बयान जारी कर महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। किसान आंदोलन को लेकर टूलकिट शेयर करने वाली और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के पास भी अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए कोई टूलकिट नहीं है। ये वो तमाम लोग हैं जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बात करते हैं और इसके बावजूद अफगानिस्तान के मामले में उनका रुख वैसा नहीं है जैसा भारत या दूसरे देशों को लेकर होता है। अभी ये साफ नहीं है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाता है तो उसे कौन कौन से देश मान्यता देंगे। पाकिस्तान, चीन, टर्की ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करेंगे। अब जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जिस तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ है, इसका अंदाजा शायद कई देशों और खुद अफगानिस्तान की सरकार को नहीं था। एक दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देशवासियों को वीडियो संदेश से संबोधित करके अगले ही दिन देश छोड़कर नहीं जाते, ना ही अमेरिका आपात स्थिति में अपने दूतावास को बंद कर लोगों को आनंद फानंद में यूं निकालता। ऐसे में अफगानिस्तान की गनी सरकार और अमेरिका का साथी भारत भी आज खुद को अजीब स्थिति में पा रहा है, जहां एक और चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते काबुल के नए घटनाक्रम को लेकर थोड़े आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं भारत फिलहाल अपने लोगों को आनंद फानंद में काबुल से निकालने में लगा हुआ है। की रिपोर्ट देखिए। तालिबान को आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में छाई रही। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जरूर दिया ताकि मामले को तूल देने से रोका जा सके, लेकिन किसे पता था कि दो महीने में जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा। काबुल के ताजा हालात के बीच क्या भारत की अब वही रणनीति अपनाएगा, यही आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल भारत की अब तक तालिबान के साथ सीधे बातचीत शुरू न करने की वजह से ये हो रहा है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमले में तालिबान को मददगार जिम्मेदार मानता था। भारत में 1999 में IC-814 विमान के अपहरण की बात और उसके बदले जैश मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छोड़ने की याद अभी भी ताजा है। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती थी, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद भारत क्या करेगा, इस पर अभी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें भी आई हैं। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान रविवार को भारत भी लौटा है। खबरों के मुताबिक अब काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तालिबान ने 1996 में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी।
तब उसकी सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दी थी। इसके अलावा दुनिया के किसी भी दूसरे देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। इस बार स्थितियां बदल सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन ने 97 देश शामिल आते होते हैं। ये दुनिया में इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा संगठन है और इस संगठन ने फिलहाल अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान से संघर्ष विराम के लिए कहा है। हालांकि इसी संगठन में शामिल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है। कतार भी इस संगठन का हिस्सा है और ऐसे में कतार वो देश है जिसने तालिबान और अमेरिका को बातचीत के लिए अपनी जमीन मुहैया कराई थी। कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान के नेता दूसरे देशों के नेताओं से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है, जबकि रशिया का कहना है कि वो तालिबान को मान्यता देने पर विचार कर सकता है। अफगानिस्तान में लिथियम बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ऐसे में लिथियम से ही मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी बनाई जाती है। चीन अपने यहाँ आने वाले देशों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाहता है और वो पूरी दुनिया को इनकी सप्लाई भी करना चाहता है। इसीलिए चीन की नजर अफगानिस्तान के लिथियम पर भी है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए है। पहले युद्ध तेल के लिए होते थे, अब हो सकता है कि लिथियम के लिए दुनिया के देश आपस में लड़ जाएं, जिसकी शुरुआत अफगानिस्तान से शुरू हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर अफगानिस्तान के मुद्दों पर पाकिस्तान, चीन, रशिया, कतार एक नए मोर्चे का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें तुर्की जैसे देशों की भूमिका भी शामिल हो सकती है। दरअसल तुर्की के पाकिस्तान से अच्छे संबंध रहे हैं, वहीं पाकिस्तान और तालिबान के संबंध में बोर में दुनिया जानती है। ऐसे में जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा की है, तो एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष हितों वाले देशों के विदेश मंत्रियों को फोन किया था। ब्रिटेन, रूस, चीन सहित भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने अफगानिस्तान के विकास पर काफी खर्च किया है और कई परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना बाकी है। इस बीच अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि भारत को अफगान में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लेना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब की विकास परियोजनाओं पर निवेश किया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के एक चैनल से बातचीत में तालिबान के नेता ने अफगानिस्तान की धरती का दूसरा देशों के खिलाफ इस्तेमाल न करने का आश्वासन दिया और कहा कि भारत को अपनी परियोजनाओं को पूरा कर लेना चाहिए। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। भारत अफगानिस्तान में अपनी अधूरी पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर सकता है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में काफी भारी भरकम निवेश किया है, लेकिन उसने तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी, लेकिन हालात अब बदल गए हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि पहले हम कह चुके हैं कि किसी देश, किसी ग्रुप को हम अफगानिस्तान की सरजमीं का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, ये क्लियर है। और अगर उन्होंने उधर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना है, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं है, तो वो उसे पूरा करें, क्योंकि वो आवाम के लिए है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि लेकिन कोई अफगानिस्तान की सरजमी का अपने मकसद के लिए, अपने मुल्क के मकसद के लिए, अपनी अदावत के लिए कोई इस्तेमाल करे तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। तालिबान के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि तालिबान भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था, मैं यहाँ पिछले 40 साल से जिहाद कर रहा हूँ, हम आपके और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हम आज़ादी के लिए उड़ने वाले लोग हैं, हम अफगानिस्तान के लोग हैं। बहरहाल इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से बातचीत करने के बाद ट्वीट किया,
जयशंकर ने लिखा कि अफगानिस्तान में नवीनतम घटनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने काबुल में हवाई अड्डे के संचालन को बहाल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस संबंध में चल रहे अमेरिकी प्रयासों की सराहना करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ फोन पर हुई बातचीत के बारे में कहा, उन्होंने केवल अफगानिस्तान और वहां की स्थिति पर चर्चा की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी बातचीत में ब्लिंकन ने सुरक्षा स्थिति पर निकासी पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अफगानिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का धोखा भी जिम्मेदार है। तालिबान से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान के 15 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने के नाम पर अमेरिका को खूब ठगा है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से पैसा भी लेता रहा और तालिबानियों को ट्रेनिंग भी देता रहा और उसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को अपने देश में छिपाकर भी रखा। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने साल 2002 से 2017 तक अमेरिका को आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर बेवकूफ बनाया और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद रोक दी। साल 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 15,000 करोड़ रुपए देने थे जिस पर रोक लगा दी गई और इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने खुलेआम तालिबान का समर्थन करना शुरू कर दिया। तालिबान के नेता दावा कर रहे हैं कि वो पहले की तरह क्रूर तरीके से सरकार नहीं चलाएंगे। सच ये है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना शुरू कर दिया है। चोरी करने वालों के हाथ और पांव काटने का ऐलान किया जा रहा है और कई जगहों पर महिलाओं के अकेले घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हिजाब और बुर्के को अनिवार्य कर दिया गया है और महिलाओं से कहा गया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई न दे। इस्लाम के शरिया कानून में अपराधियों को कोड़े मार देने, उनके हाथ पैर काट देने और गंभीर अपराध के मामलों में फांसी तक देने का प्रावधान है। इस रिपोर्ट में आपको शरिया कानून के बारे में ज्यादा डिटेल में समझाते हैं, देखिए। हर समाज और धर्म के भीतर लोगों के रहने के तौर तरीके नियम कायदे होते हैं। शरियत इस्लामिक समाज के भीतर रहने के उन्हीं नियमों का एक समूह है जिससे पूरी दुनिया में इस्लामिक समाज चलता है। 7वीं सदी में जब सऊदी अरब के मदीना में इस्लाम की स्थापना के साथ ही इस्लाम तेजी से आसपास के इलाकों में फैलने लगा। पहले अरब में कबीलाई समाज था जिसमें रहने वाले लोगों के अपने रीति रिवाज थे, लेकिन इस्लाम के प्रसार के साथ ही कुरान के नियम इन कबीलाई समाज को संचालित करने लगे। इस तरह कुरान में अखिलित रीति रिवाज को हम शरीयत कह सकते हैं। ये एक तरह से उस समाज के इंसान की व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के रूप में देखे गए। शरीयत इस्लाम के भीतर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जीने के लिए कायदों की व्याख्या करता है। ये बताता है कि इन तमाम पहलुओं के बीच एक मुसलमान को कैसे जीवन का निर्वहन करना चाहिए। शरीयत कानून इस्लाम को मनाने वालों की जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। शरीयत उस नीति को कहते हैं जो इस्लामी कानून परंपराओं और इस्लामी व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होता है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवित रहते कुरान में लिखे कानून उस समय के समाज की समस्याओं के हिसाब से उनके समाधान के लिए थे, लेकिन इसमें समय के साथ बदलाव भी होते रहे। दरअसल कई धार्मिक संस्थानों और वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में शरीयत को उसके हिसाब से लागू किया गया। इस्लामिक कानून की 4 प्रमुख संस्थाएं हनफिया, मलिकिया, शफिया और हनबलिया है जो कुरान की आयतों और इस्लामिक समाज के नियमों को अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। ये सभी संस्थाएं अलग अलग सदियों में विकसित हुई और बाद में मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थानों के कानूनों को अपनाया।
भारत की जहां तक बात है, भारतीय संविधान में सभी धर्मों जातियों के लोगों को जीने के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यहां तक इस्लाम के अनुयायियों की बात है तो मुसलमानों के घरेलू, पारिवारिक और उसमें भी खासकर शादी, तलाक, बच्चों से संबंधित मामलों और पति पत्नी, माता पिता के बीच सभी मामलों का शरीयत कानून के हिसाब से ही समाधान निकाला जाता है। भारतीय कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत में शरीयत से संबंधित नियम कायदों को संचालित करने के लिए एक संस्था का गठन 1937 में किया गया था। इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसकी स्थापना 1937 में अंग्रेजों ने की थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के सभी मामलों का इस्लामिक कानून के मुताबिक निपटारा करना था और इस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट साल 1937 में पास हुआ। दरअसल इसका इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। इस तरह 1937 से ही मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले पर एक्ट के तहत ही होते हैं। खास बात यह है कि इस एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत विवादों में सरकार दखल नहीं दे सकती। आपको बता दें कि भारत में धर्मों के लिए ऐसे कानून की व्यवस्था है, इसे सिविल कोड कहा जाता है। जैसे 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसके तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिखों के पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। ऐसे ही 1936 का पारसी विवाह तलाक एक्ट और 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानून भी भारत में हिंदू समाज के भीतर कई मामलों का निपटारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वैसे ये स्थिति अचानक से नहीं आई है, इसकी जड़ में भारत का इतिहास और साल 1947 में धर्म के आधार पर हुआ भारत का बंटवारा है। आज भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न सिर्फ शरिया का बल्कि तालिबान का भी समर्थन करते हैं। ऐसे ही लोगों की एक चैट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें देश के टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है कि हमें तालिबान से सीखना चाहिए कि आजादी कैसे हासिल की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी 1500 सिख और हिंदू फंसे हुए हैं। भारत की सरकार ने इन्हें वापस से निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। काबुल में भारत के दूतावास में भी भारत के करीब 200 नागरिक फंसे हुए हैं। इन्हें भी सुरक्षित बाहर फिलहाल निकाल लिया गया है और ऐसे में भारत अपने विमान लगातार वहां पर भेज रहा है। हालांकि तालिबान के कुछ नेताओं ने अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों से मुलाकात करके उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया है, इसके बावजूद भी तालिबान के दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3,80,00,000 है और ऐसे में अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत और 421 जिले हैं। अफगानिस्तान 6,52,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में ये ब्रिटेन से दुगना पड़ा है। अफगानिस्तान को एशिया का हार्ट यानी कि दिल कहा जाता है, लेकिन आज कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों की वजह से ये हार्ट फेल होने की कगार पर है। यही नहीं, अफगानिस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है और ऐसे में अकेले कंधार में 81% लोग गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। अफगानिस्तान में साक्षरता की भी कमी है और वहाँ केवल 30% महिलाएं ही लिख और पढ़ सकती हैं, जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या सिर्फ 55% है। और ऐसे में अफगानिस्तान में बड़े बड़े पहाड़ और वहाँ का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी इलाकों से घिरा हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका किसी देश में उद्धारकर्ता के रूप में उतरा और गैर जिम्मेदाराना रूप से चला गया। ऐसा तब भी हुआ जब 1975 में गृह युद्ध से देश को तबाह करने के बाद अमेरिका ने वियतनाम को छोड़ दिया था। फिर यही जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और इसे एक और आकाशीय स्थान में बदल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान से अमेरिका की जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना वापसी ये दर्शाती है कि अमेरिका अफगानिस्तान में शुरू हुए 2 दशक लंबे युद्ध को हार चुका है। ये भी साफ हो जाता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका कई मामलों में विफल रहा है। सबसे पहला ये एक राजनीतिक विफलता है और इसकी शुरुआत गैर जिम्मेदाराना निर्णय लेने से हुई है। तालिबान ने जिस अलकायदा को पनाह दी उसे बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन अमेरिका ने देश के पुनर्निर्माण के अपने वादे को कभी पूरा नहीं किया। पहले तो इसकी कोई योजना नहीं थी और इसने रास्ते में ही अपनी योजनाएं बदल दी।
और जो रह गए उनके लिए बिना योजना के झुक गया। दूसरा, ये मानवीय विफलता है। अफगानिस्तान युद्ध ने लाखों लोगों की जान ली और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मानवीय जीवन को चकनाचूर कर दिया। युद्ध की लागत अभी भी स्पष्ट नहीं है, लाखों जिंदगियां गई। ब्राउन यूनिवर्सिटी में काउस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार इस साल अप्रैल तक युद्ध ने अफगानिस्तान में लगभग 1,74,000 लोगों को मार डाला था, यानी हर दिन 23 जिंदगियां इस धरती से मिट जाती थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 24 लाख अफगान शरणार्थी हैं, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान और ईरान में हैं। अन्य 40 लाख देश के भीतर आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। इस युद्ध की हिंसा भी भय पैदा करती है। लाखों लोगों के व्यवसाय बंद हो गए और लाखों ने खरीदारी करना बंद कर दिया। अब अफगान लोग नकदी निकालने के लिए बैंकों की ओर दौड़ रहे हैं। देश आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा है। अमेरिका ने पुराने अनुभवों से नहीं ली सीख। 1950 के बाद से युद्धों में सभी अमेरिकी विफलताएं रणनीतिक गलतियां हैं। दुखद और चौंकाने वाली बात है कि कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध से लेकर इराक पर आक्रमण और अफगान कब्जे तक अमेरिका हर बार सीखने में विफल रहा है। देखा जाए तो हथियारों का सहारा लेकर अमेरिका जितना हल करता था उसे कहीं ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। दुनिया को इस बात की कोई कदर नहीं है कि अमेरिका अपना खून बहाकर उनकी समस्याओं को उलझा रहा है। अमेरिका अपनी मदद करके किसी की मदद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में जो बाइडेन अधिक अमेरिका प्रथम की विचारधारा बढ़ाने वाले राष्ट्रपति हैं। इस अर्थ में भी वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक ही समय में बहुत कम सहन करते हैं। जॉर्ज बुश ने युद्ध शुरू किया, बराक ओबामा ने शांति के बारे में सोचा, लेकिन वो अभी भी मानते हैं कि अमेरिका अंत तक जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को कुचलने के बारे में जोर की बात कही थी, लेकिन कम से कम ट्रंप अमेरिका प्रथम की विचारधारा कोई ईमानदारी से बताते थे। जो बाइडेन स्वार्थ और ईमानदारी दोनों तरह से इसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अफगान के लोगों को दर्द से कराहने के लिए छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान सामने नहीं आया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के विकास में भारत के रोल को भी गलत नहीं कहा है। तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया भी रखता है। जब अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठा तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तक किसी भी बहुत बड़े खून खराबे की खबरें भी सामने नहीं आई हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि तालिबानी शासन आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 और तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग होगा, लेकिन तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना, इस पर जानकारों की राय बटी हुई नजर आ रही है। वहीं काबुल में तालिबानी कब्जे और अफरातफरी के बीच भारत के दूतावास स्टाफ और ITBP जवानों की निकासी किसी मुश्किल ऑपरेशन से कम नहीं थी। भारत वापसी की आस में भारतीय राजदूत समेत वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा स्टाफ और लोगों ने पूरी रात जागते हुए गुजारी। सूत्र बताते हैं कि तालिबान लड़ाकू की नाकेबंदी के बीच भारतीय लोगों के दल को पहले सुरक्षित इकट्ठा करने की मशक्कत की गई और उसके बाद में सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाने का काम भी किया गया। काबुल में सोमवार शाम पहुंचे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान को झूठ को देर रात ही रवाना हो जाना था, लेकिन तालिबानी पहरेदारी और शहर में जारी अफरातफरी के बीच लोगों की निकासी मिशन बीच में ही रोकना पड़ा था और इसके चलते वायुसेना के विमान और पायलटों ने भी तनावपूर्ण हालात में काबुल एयरपोर्ट पर ही रात गुजारी। और इस बीच काबुल एयरपोर्ट को नियंत्रण कर रहे अमेरिका के अधिकारियों के साथ तालमेल से लेकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलविन से भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत एक आवाज नहीं चलती रही और साथ ही तालिबानी गुटों के साथ भी संपर्क कर रहे ये सुनिश्चित किया गया
कि भारतीय दल बिना किसी नुकसान के एयरपोर्ट पहुंच सके और इस दौरान सबसे मुश्किल काम था कि कई स्थानों से निकाल कर उन्हें एक स्थान पर पहुंचाना चाहिए और बड़ी सावधानी के साथ उसे पूरा भी किया गया। हालांकि मुश्किलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 20 मिनट के रास्ते को पार करने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और बीच में कई बार वाहनों को तालिबानी लड़ाकों की नाकेबंदी अपने भी रोका था और इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती और खतरा इस बात का था कि कोई भी घटना पूरे ऑपरेशन के लिए खतरा बन सकता था। ऐसे में मिशन के लोगों और नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा ITBP के जवानों पर था जो मिशन की सुरक्षा में तैनात थे। हालांकि अब तालिबान ने सरकारी अधिकारियों से खास अपील भी की है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि वो सभी सरकारी अधिकारियों को माफी दे रहे हैं। अब तालिबान ने सभी सरकारी अधिकारियों से अपील की है कि वो सभी काम पर लौटे, अपना रूटीन काम फिर से शुरू करें और भरोसे के साथ आगे बढ़े। बता दें कि अफगानिस्तान पर 2 दिन पहले ही तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और ऐसे में काबुल में राष्ट्रपति पैलेस में भी तालिबान ने कब्जा जमा लिया था और उसके बाद से ही काबुल समेत अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में भगदड़ जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में अब देश को फिर से रास्ते पर लाने के लिए तालिबान की ओर से ऐसी अपील की जा रही है। बता दें कि तालिबानियों ने पहले भी लोगों से कहा कि कोई भी देश छोड़कर न जाए और यहीं पर रुका रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर शरिया कानून लागू होगा और तालिबानी सजा लोगों को दी जाएगी, फिर ऐसे में माहौल में काबुल में रुकना कौन चाहेगा। इसी के साथ 4 का चक्रव्यूह में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।